अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिल पसंद लिबास। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो है ओरिजिनल्स वर्सेस रेप्लिकास का आमना सामना करवा कर आपको दिखा रही हूँ कि दोनों सेट्स आए हैं, आज ही आए हैं। दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं और फ़र्क इतना भी कम है, इतना भी कम है कि मैं क्या बयान करूँ। इस एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज़ फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु गो ऑन टू बाय दीज ओरिजिनल्स, इट्स ऑल मेंटली इन द हेड द आउट ऑफ वेयर एनीथिंग बट ओरिजिनल। ये एक मसला है हमारा अना का कि मैं तो ये नहीं पहनती, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल्स पहनती हूँ। तो ये हमारी जो फ़ख्र की बात है या ये गुरूर की बात है, ये हमें जो है थोड़ा सा तर्क करनी चाहिए। एंड वी शुड गो टूवर्ड्स बाइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग। आई टेल यू, यू नो वाह, मैंने ये सना सफीनाज का रेप्लिका पहना हुआ है, माशाल्लाह। आई वन आई वेंट टू पाकिस्तान, आई हैड दिस स्टिच्ड, आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव इट। इवन दो कि इसमें हल्की सी फॉल्ट थी इधर, लेकिन फिर भी ये सूट मुझे इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैंने पहना है और पहना है और अभी भी ये ऐसा ही है जैसा मैंने पहले दिन पहना था। सो इसमें कोई जो है, हालांकि ये सना सफीना के जो ओरिजिनल्स थे मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स ने लिए हैं और उन्होंने एक एक दो दफ़ा पहने हैं, तो वो बिल्कुल पानी की तरह जो है ना, कपड़ा जो है इतना बिल्कुल बारीक हो गया है धोने के बाद कि उसकी कुछ दूसरी जान ही नहीं रही। अच्छा, सो टुडे आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ दैट वी किल्ड द अना एंड द मी एंड आई डोंट डू दिस, I tell you, I have no thing with that I'm not going to wear. I'm happy to wear a replica as long as it's stitched beautifully. So, सबसे बड़ा मसला है, हमने कोई रेप्लिका लेना है, हमने कोई डिज़ाइनर लेना है, हमने उसकी सिलाई कैसी करवानी है। सबसे बड़ा मसला है कि हम चीज़ तो महंगी लेते हैं, लेकिन जब वक़्त आता है कि हमने इस पर लगाकर इसकी सिलाई कैसी करवानी है, तो फिर वो हम देने को तैयार नहीं है। दैट इज़ अ वेरी 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 सैड फैक्ट। अच्छा, ये है इसका ओरिजिनल, ये है ट्राउज़र का कपड़ा, ट्राउज़र के पोंचों पर है ये इसका, ये आडा बनेगा। आज भी किसी ने सूट, कोई सूट ले रही थी तो वो मुझे मुझे कह रही थी कि मैंने कभी आडी जो है पहनी नहीं है। तो ट्राउज़र में आड़ वगैरह का कुछ भी नहीं होता, सलवार तो इसकी सही तरीके से बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसकी ट्राउज़र बना रहे हैं तो फिर आपको ये बॉर्डर जो है, मैं एडवाइस यही करूँगी कि इसको उतारो और जब कटिंग वगैरह कर लो तो फिर इसको जो है ना पूरे पोंचे के नीचे लगाओ। एनीवे, दैट्स समथिंग दैट आई होप टू शेयर विद यू। ओके, सो ये है इसका प्योर में, प्योर शिफोन में ना। इसकी क्वालिटी तो जाहिर है, हम जब प्राइस इतना महंगा दे रहे हैं तो क्वालिटी तो होगी। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे का फुल जो है ना, इन्होंने पल्लुओं पर और सारी तरफ जो है इन्होंने काम किया है। ये है फिर इसकी एमरल ग्रीन में कमीज, और जाहिर है कुछ ना कुछ क्वालिटी में और कुछ फर्क जरूर आता है जब हम प्राइस इतना ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, ये है इसके बाजू, ये इसमें प्रिंट है और ये कमीज का दामन है, और फिर ये इसका गला बना हुआ है, और गले के ऊपर जो है ना फिर आपने एक मजीद गला लगाना है जो कि है ये गला। सो ये गले के अंदर जो है ये ऐसे होकर लगेगा, तो तब जाकर इसकी खूबसूरती बनेगी। सो ये है ओरिजिनल का पीस जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम जाते हैं इसी का ही रेप्लिका और देखते हैं कि रेप्लिका में उन्होंने क्या किया किया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इन्होंने जब इसको तैयार करके पहनाया है तो इसमें पिक्चर में जाहिर है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडेड दुपट्टे के साथ टसल्स वगैरह ये वो नुमाइंदा की गई हैं, जिनकी वजह से चीज़ और ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ये है फिर इसका मास्टर रेप्लिका, तो हम देखते हैं कि मास्टर रेप्लिका में क्या है। अच्छा, मास्टर रेप्लिका में है, सबसे पहले तो सलवार है। सलवार में जैसा कि इसमें ओरिजिनल में ट्राउजर पर पैटर्न दिया गया है, ऐसा ही रेप्लिका में भी दिया गया है। सो देर इज नो डिफरेंस वॉट सो एवर इन दा। नाउ विद द कमीज हैज एम्ब्रॉयडरी एंड अ लिटिल बिट मोर ऑफ द बोल्ड येलोनेस हैज बीन यूज। नाउ दैट्स एग्जैक्टली द सेम नेक लाइन, सिर्फ इसका फर्क यह है कि
कि ये इन्होंने पाच वगैरह नहीं लगाया, इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके इसको मुकम्मल किया है। और फिर साथ जो ओरिजिनल में नहीं दी गई वो है इसके साथ ये मज़ीद एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड पाच। तो ये शर्म की बात है कि हम प्राइस भी इतना दे रहे हैं लेकिन उसमें जो है ना ये चीज़ें भी नहीं हैं। और थर्डली इसका कलर जो है दुपट्टे का थोड़ा वाइब्रेंट दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी समरी एंड वेरी प्रिटी। सो ये है मेरा रेप्लिका, जो कि मैं कहती हूँ कि यू नो वा देर इज़ वेरी 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 लिटल डिफरेंस इन दी ओरिजिनल वर्सेस द रेप्लिका। जाहिर है यहाँ दुपट्टे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर दिया गया है जिसकी वजह से, और फिर उन्होंने जो मोती और टैसल्स और जो चीज़ें लगाई हैं इस चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए वो साथ नहीं दी गई, जिसमें क्या होता है कि फिर हम ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जो तस्वीरों में दिखाई गई है। सो दोज आर एडेड एक्स्ट्रास, इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दोज एडेड एक्स्ट्रास देन यू नो गारंटीड इफ यू पुट द एफर्ट इन टू इट देर इज एब्सोल्युटली नो रीजन अनलेस इट्स अ थिंग ऑफ माई मी आई डोंट वेयर रेप्लिकास देन देर इज नथिंग टू से हुज वेयरिंग अ रेप्लिका एंड हुज वेयरिंग एन ओरिजिनल। मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी अर्सा पहले मैं पाकिस्तान गई थी, तो जिस वक्त मैं पाकिस्तान गई तो उस वक्त जो है ना मैंने एक आम में इन माई आम आई वेंट एंड बोट सम ब्रेसलेट्स एंड आई पुट दोज ऑन एंड दे वर यू नो दी फॉल्स गोल्ड इमिटेशन बैंगल्स एंड आई एक्चुअली बोट हम फ्रॉम कराची एंड आई वोर दोज एंड आई वेंट टू द विलेज एंड एवरीबडी वॉज कमिंग अप टू मी एंड सेइंग ओह आई लव योर बैंगल्स देर यू नो हाउ मैनी कैरेट्स आर दे, कितने तोले की हैं ये वो, मुझे सब पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि ये तो जो है असली नहीं है, ये तो नकली है। तो मेरी बहन कह रही थी मुझे कि आप क्यों सबको बता रही हैं कि ये नकली हैं, इधर कोई भी नहीं जानता कि ये असली हैं या नकली हैं, बिकॉज यू आर कैरियंग ऑम ऑफ वेल। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ यू कैरी योर सूट ऑफ वेल देन देर इज एब्सोल्युटली नो रीजन वाई एनी बडी शुड डाउट वेदर यू आर वेयरिंग एन ओरिजिनल और वेदर यू आर वेयरिंग अ रेप्लिका। पर्सनली इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी आई वुड गो अप टू द पर्सन एंड से यू नो वा I'm proud to wear a replica. Why should I wear an original and spend triple the amount of money when I can get the same result in a replica? So that anyway, that's me for you. मुझे कोई ऐसी चीज़ों का दूसरा नहीं है, फख्र वड़ाई नहीं है कि मैंने कौन सी चीज़ पहननी है और उसको शो कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स द कॉन्फिडेंस दैट मेक्स अ पर्सन। और इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बात करूँगी, जो कि मैं हमें इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सिखाता है और यही चीज़ें हैं जो हमने सीख कर आगे चलना है। सो इंशाल्लाह टेक केयर एंड जॉइन मी इन द नेक्स्ट वीडियो।